तो आप जानते ही होंगे कि हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं वो है मिल्की वे, और हमारी इस आकाश गंगा में पूरा सौरमंडल मौजूद है और अरबों तारे मौजूद हैं। लेकिन क्या आपने कभी गैलेक्सी के दिल के बारे में सुना है? जी हाँ, आज मैं इस वीडियो में मिल्की वे के दिल के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसकी खोज की है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साइंटिस्ट ने। उन्होंने बताया है कि जो हमारा मिल्की वे है, जो हमारी आकाश गंगा है, उसका दिल कैसा है और जब वो धड़कता है तो क्या होता है। तो यही तमाम जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। तो दोस्तों, मैं आकाश गंगा के जिस दिल की बात कर रहा हूं वो भी एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा मानवों का दिल होता है। लेकिन ठहरिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं उसके आकार और बनावट की बात कर रहा हूं तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं फंक्शन की, यानी कि आकाश गंगा का दिल वो जगह है जहां से पूरा आकाश गंगा संचालित होता है। यानी कि अगर ये दिल धड़कना बंद कर दे तो आकाश गंगा का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, और यही बात बताई है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिकों ने, और उन्होंने इस दिल के बारे में बहुत सी जानकारियां दी है और उसके फोटोग्राफ्स भी शेयर किए हैं, और ये बताया है कि ये दिल एग्जैक्टली करता क्या है। तो इस वीडियो में यही तमाम जानकारी मैं देने जा रहा हूं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही महना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए। तो दोस्तों, हम मिल्की वे के जिस दिल की बात कर रहे हैं वो दरअसल उसका प्राचीन न्यूक्लियस है। ये वही जगह है जिसके चारों ओर इसके सभी तारे और ग्रह विकसित हुए हैं, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इसका पता लगाने के लिए गाइया ऑब्जर्वेटरी के डाटा का इस्तेमाल किया है। दरअसल इस दिल की खोज जो है वो वैज्ञानिकों के उस प्रोजेक्ट का हिस्सा है, उस रिसर्च का हिस्सा है, जिसके तहत वैज्ञानिक ये जानने में लगे हुए थे कि दरअसल गैलेक्सी की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी कि जो हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है उसका जन्म कैसे हुआ और यहाँ पर किस तरीके से ग्रहों और सितारों का निर्माण हुआ। अपने इस खोज के दौरान वैज्ञानिकों ने पाया कि सैगिटेरियस कॉन्स्टिलेशन यानी कि धनु नक्षत्र में स्थित हमारी आकाशगंगा के सबसे पुराने तारों में से 18,000 आकाशगंगा के प्रोटो गैलेक्सी से हैं। ये युवा आकाशगंगा के शुरुआती तारों को बनाने वाली गैस और धूल का एक मुख्य पुंज है जो 1250 करोड़ सालों से भी ज्यादा पुराना है। और इस खोज के दौरान साइंटिस्ट ने पाया कि ये जो तमाम पुंज है ये हमारी आकाशगंगा के कुल मास का अनुमानित 0.2% है, और इसी ग्रुप के चारों ओर आकाशगंगा विकसित हुई है। आपको बता दें कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने जिस गाइया ऑब्जर्वेटरी के डाटा के आधार पर इस दिल को ढूंढा है वो दरअसल 1630 किलो का स्पेस क्राफ्ट है, और इसे 2013 में लॉन्च किया गया था। इसका लक्ष्य है मिल्की वे का सबसे डिटेल और सटीक नक्शा बनाना। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिकों ने इस दिल को खोजने के लिए वैज्ञानिकों के उस पुराने हाइपोथेसिस को आधार बनाया, जिसमें ये कहा गया था कि इस आकाश गंगा का दिल इसके सेंटर में है, यानी कि इसके केंद्र में है। उसी के आधार पर जब खोज शुरू की गई तो इस प्राचीन दिल के बारे में वैज्ञानिकों को पता चला, जो सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में मौजूद था, जो कि इसका केंद्रीय उभार है। इसमें सबसे छोटे तारों की उम्र आकाश गंगा के समान ही है, यानी कि इन छोटे तारों की उम्र 1300 करोड़ साल है।
आकाशगंगा के इस प्राचीन दिल तक पहुंचने के लिए वैज्ञानिकों ने उन छोटे तारों की निगरानी की जो हमारे आकाशगंगा में ड्वार्फ गैलेक्सी से बनकर आते हैं, टूटते हैं और वो विलीन हो जाते हैं। वैज्ञानिकों ने काफी मेहनत और निगरानी के बाद इन तारों के पाथ को ढूंढ लिया, यानी कि ये तारे जहां से आ रहे थे, टूट रहे थे, बिखर रहे थे, उस रास्ते को ढूंढ लिया वैज्ञानिकों ने। और इसी रास्ते की मदद से वैज्ञानिक आगे बढ़ते गए और आखिरकार ये उस जगह पर पहुंच गए जहां पर ये छोटे तारे काफी संख्या में मौजूद थे, और वो जगह निरंतर तारों के बनने और टूटने के कारण पूरा बिखरा हुआ था। साइंटिस्ट ने पाया कि वहां पर तारों की आबादी हमारे सूर्य से 5 से 20 करोड़ गुना विशाल है। भारी तारे छोटे तारों की तुलना में तेजी से मर रहे थे। बाकी बचे तारे सूर्य से औसतन करीब 1.5 गुना हल्के होते हैं। ये तारे एक बार जन्म लेने के बाद कुल स्टेलर मास का लगभग आधा हिस्सा बनाते हैं, इसलिए करीब आधे तारे आज तक जीवित हैं। आकाशगंगा के इस प्राचीन दिल के मिलने के बाद वैज्ञानिकों को एक और जानकारी मिली, क्योंकि जैसा कि आप भी जानते हैं कि कई बार छोटे छोटे गैलेक्सीज हमारी मिल्की वे से टकरा चुके हैं। लेकिन जो जानकारी वैज्ञानिकों को मिली वो हैरान करने वाली थी, क्योंकि वैज्ञानिकों ने पाया कि इन टकराव का कोई भी असर प्राचीन दिल पर नहीं पड़ा। यानी कि आकाशगंगा का जो कोर फील्ड है, जो कोर क्षेत्र है, वहां तक इस टक्कर का कोई भी असर नहीं पहुंचा और वहां पर तारों का घना समूह अभी भी बरकरार है। यानी अगर हम ये सोच के बैठे हैं कि किसी छोटे गैलेक्सी की टक्कर से हमारे सौरमंडल पर असर पड़ सकता है या फिर इसके सेंटर पे असर पड़ सकता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने जो देखा प्राचीन दिल में उससे तो यही पता चला कि किसी भी गैलेक्सी के टकराने से हमारी आकाशगंगा पर ज़्यादा असर नहीं होता है, इसके कोर पर बहुत ज़्यादा असर नहीं होता है। तो इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।